हेलो दोस्तों, मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी का पराठा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी सर्दियों का सीजन है तो फूल गोभी बहुत ही अच्छी मिलती है। मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी लिया है और उसको अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है, और उसके ऊपर का इस तरीके का कुछ काला पार्ट रहेगा उसको हटा देंगे, और फूल गोभी के नीचे वाला जो डंठल है उसको भी हम हटा देंगे। हमें खाली जो उसका फ्लावर रहता है उसी का ही यूज करना है, और इसको हम कद्दूकस करेंगे। जैसे हम गाजर या लौकी का हलवा बनाते हैं और कद्दूकस करते हैं, उसी तरीके से फूल गोभी को भी कद्दूकस करना है। ना ही हमें ज़्यादा इसको बारीक करना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो हम सबसे पहले फूल गोभी को कद्दूकस कर लेंगे, और जो ये फूल गोभी के पराठे रहते हैं बहुत ही खाने में टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। और ये पराठे को आप टिफ़िन में भी ले जा सकते हो, या सुबह ब्रेकफास्ट या नाश्ते में भी खा सकते हो। तो यहाँ पर हमने सारी ही फूल गोभी को कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से, और इस तरीके का पार्ट हमने निकाल दिया है। आप चाहे तो इसे सब्जी में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा फूलगोभी कद्दूकस हो गया है। अभी इसके अंदर एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से जो फूलगोभी का एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तो इसको हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि नमक सब जगह पर अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे तो जो नमक है वो उसके अंदर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट बाद में हमें फूल गोभी को इस तरीके से, जैसे लड्डू बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें एक बड़ा सा गोला बना लेना है। जितना आपके हाथ में आए उतना बड़ा आप पकड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ा है, और उसको ज़ोर से दबाएँगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो हमें सारा ही फूल गोभी को इस तरीके से निचोड़ लेना है, तो फूल गोभी का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और इस तरीके से सूखा दिखेगा। ये देखिए, बस इसको हाथ से इस तरीके से फैला लेना है। तो यहाँ पे हमने सारा ही फूल गोभी को निचोड़ लिया है। तो हमारा जो फूल गोभी का पराठा है ना, ऐसा करने से एकदम खिले खिले और अच्छे बनेंगे। जैसे आपने ये फूल गोभी के पराठे एक बार खाए ना, तो आप पनीर वगैरह के पराठे भी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो पराठे रहते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और ये साथ में हेल्दी तो है ही। तो यहाँ पे हमारा फूलगोभी रेडी हो गया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर में एक चम्मच के जितना ऑयल डाला, जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची, और 2 चम्मच के जितना मैंने तिल डाला है। तिल डालने से जो फूलगोभी के पराठे रहते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, और तिल हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला डाला है, और सब चीज़ों को इस तरीके से थोड़ा मिक्स करेंगे, और जो हमारा गोभी है उसको भी इसके अंदर में डाल देंगे, और हमें धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें 1 मिनट के लिए ही इसको सौते करना है ताकि फूल गोभी का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर हमने गैस को भी बंद कर दिया है, बस इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसके ऊपर में। धनिया डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। वापस से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण है वो रेडी हो गया है, और इसको हम एक प्लेट के अंदर में निकाल लेंगे, क्योंकि हम जब पराठे बनाएंगे तो मिश्रण है हमारा ठंडा होना चाहिए। गर्म रहेगा तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। मिश्रण को इस तरीके से फैला देंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए आटा मैंने पहले ही गूंथ लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे हाथ में लेके, और उसकी हम एक लोई बना लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसमें से एक लोई तोड़ेंगे और उसको थोड़ा सा इस तरीके से गोल कर लेंगे, और उसमें से हम छोटी लोई और एक तोड़ेंगे, क्योंकि ये पराठा थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। तो ये देखिए, एक बड़ी लोई है और एक छोटी लोई है। सबसे पहले थोड़ा सा आटा को इस तरीके से डालेंगे और उसको गोल बेल लेंगे इस तरीके से। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस मीडियम साइज का ही बेलना है, और जो हमने छोटी लोई तोड़ी थी उसको भी बीच में इस तरीके से रखेंगे, और उसको भी थोड़ा सा आटा लगा के बेल लेंगे। उसको ज़्यादा नहीं फैलाएंगे,
जहाँ तक हमारा मिश्रण भरेंगे उतना ही हमें इसको बेलना है, ताकि जो पराठा है बीच में से फट न जाए और पराठा अच्छा बने। अभी इसके ऊपर में हम मिश्रण रखेंगे, 3-4 चम्मच के जितना मिश्रण भरेंगे इस तरीके से। और रोटी के किनारों को जैसे हम साड़ी पहनते कैसे प्लेट लगाते हैं, उसी तरीके से प्लेट लगाते जाएंगे इस तरीके से, ताकि जो हमारा पराठा है एकदम अच्छा बने और ज़्यादा फटे नहीं, और ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा मोटा भी ना हो। बस इस तरीके से प्लेट लगानी है और आपका पराठा बंद हो जाएगा। ये देखिए, बस इसको इस तरीके से धीरे से प्रेस करना है और ऊपर से थोड़ा सा हम दबा देंगे और ये सब जगह से अच्छे से दब गया है। मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से ही बनाना है इसको। थोड़ा सा आटा डालेंगे और उसके ऊपर में ये वाला पराठा रख देंगे और बेलन की सहायता से हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा दम नहीं लगाना है। और जब पराठा बनता है तो इस तरीके से हमारा पराठा दिखना चाहिए, इसमें से हल्का सा जो हमारा मिश्रण है वो भी थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। वो दिखने से पराठे और भी अच्छे लगते हैं और पराठे देखकर ही खाने का मन करता है और दिखता है कि पराठे में क्या मसाला भरा है। जब ये पराठा सिकता है ना तो इसको देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है। यहाँ पर तवे के अंदर में थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसके ऊपर में पराठे को इस तरीके से रख देंगे। मैंने यहाँ पे गाय का घी लगाया है, आप चाहे तो ऑयल या बटर भी लगा सकते हो। पराठा सिक गया है तो इसको एक तरीके से ऐसा पलट देंगे और दूसरी तरीके से भी इसको इस सेक लेंगे दोनों तरफ से। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सेकना है और हम सारे ही पराठे इस तरीके से सेक लेंगे। और ये पराठे जब बनते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और आप ये पराठे को एक बार खाएंगे तो पनीर पराठा खाना ही भूल जाएंगे। जैसे पनीर पराठे का टेस्ट और फूल गोभी के पराठे का टेस्ट दोनों का ही सेम ही आता है और खाने में एकदम लाजवाब है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि फूल गोभी के पराठा बनाना कितना आसान है, और इसको बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं चाहिए और ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरे पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और बताना कि आपने इससे पहले क्या गोभी के पराठे खाए थे या नहीं। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओ, क्या पता आपको ही यही वाली रेसिपी खाने के लिए मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, खाओ पियो, इंजॉय, थैंक।